भाई साहब, आज आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर हॉस्पिटल तक जो है प्रोटेस्ट किए हैं प्राइवेट होने को लेकर, तो इसके बारे में आपके पास क्या डिटेल है? क्या वाकई में प्राइवेट हो चुका है या अभी होगा? देखिए, जब ये डॉक्टर शर्मा यहाँ पर कमिश्नर थे तो आज से 4-5 महीने पहले मुझे याद है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और मुलाकात का मेरा पहला ही उनसे सेंटेंस मैंने ये पूछा था कि आप ये मुझे बताइए कि साहब, ये प्राइवेट हो चुका है या गवर्नमेंट रहेगा? ठीक है, तो कमिश्नर ने मुझे बिल्कुल साफ अल्फाज में बताया कि ये प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इसको प्राइवेटाइजेशन हमने उसी तर्ज पे किया है जो एकनाथ शिंदे जी के माँ के नाम पे श्रीनगर में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, गंगूबाई हॉस्पिटल। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा एक जो है आनंद दिघे का जो हर्ट हॉस्पिटल है, इस तर्ज पे होगा। आप जाइए, जाके आप उसका स्टडी कर लीजिए, उसके बाद हमसे आपकी जो शिकायतें हम सुनेंगे। तो जब उन्होंने कहा, मैं तीसरे दिन हाजिर हो गया उनके पास, कहाँ, गंगूबाई हॉस्पिटल जो एकनाथ शिंदे जी का हॉस्पिटल है, उनके जो ऑनर हैं उनसे मेरी बात हुई, उनके ऑनर से बात हुई, और तकरीबन घंटे भर उनके ऑनर से बात हुई। बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँगा नहीं, मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, सेवा करूँगी और ये करेंगे वो करेंगे। हमने सारा जायजा, 7 बार मैंने वहाँ विजिट किया। कितनी बार? 7 times मैं वहाँ गया हूँ, 7 times। और एक बार आनंद भाई दिघे हॉस्पिटल में मैं गया उसका जायजा लेने। मैंने ये पाया कि उन्होंने जो कहा था सब झूठ बोला था, प्राइवेटाइजेशन था, और स्कीम के तहत, ठीक है, ज्योति भाई फूले का जो स्कीम है, ज़्यादातर स्कीम उसी के अंदर में आती है, उसी के तहत हो रहा है। हर एक आदमी आने वाले का राशन कार्ड या आधार कार्ड लिया जा रहा है, क्योंकि हर का राशन कार्ड आज के डेट में आधार से लिंक्ड है, इसलिए वो लिया जा रहा है। और आपका जो लिमिटेशंस है उसमें से आपको बगैर ट्रांसपेरेंसी के वहीं से वहीं कट जाएगा। आप, हो सकता है कि आप इलाज कराया हो 20 रुपये का, वहाँ से उठे आपका 2000 रुपया, क्योंकि उसका लाखों पे साहब, वो तो सरकारी योजनाएं हैं, उसके तहत वो सब इलाज हो रहा है। लेकिन ये अगर प्राइवेट होता है तो इससे मुमरा की जनता को नुकसान क्या है? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक आप सिर्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए, आप समझिए, जैसे अभी इन्होंने डायलिसिस का बना दिया है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजीज़ वाइज प्रीवेलेंस रेट क्या होता है, ये आपने को नहीं मालूम होगा। हमने PhD जो की है वो हेल्थ प्लानिंग में किया है, ठीक है ना, हेल्थ प्लानिंग में किया, PhD किया। मुझे मालूम है कि प्लानिंग जब होती है तो वो डिजीज़ के प्रीवेलेंस के हिसाब से होती है कि कौन सी डिजीज़ है, कितना प्रीवेलेंस है, कितना सीट यहाँ पर बेड किस मर्ज के लिए होना चाहिए था। आपने सिर्फ अभी तक डायलिसिस खोल दिया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो WHO ने इंडिया को टारगेट दिया था कि आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को पहले जल्द से जल्द अचीव कीजिए, अदरवाइज आपका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये काफ़ी हाई होगा और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। और उसी पर इंडिया आज भी काम कर रही है। यहाँ पर आज तक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए एक मैटरनिटी सेंटर था, वहाँ पर भी चाइल्ड का नहीं होता था, सिर्फ उसको ये बंद करके अभी यहाँ तक खाली नहीं हुआ। हमारी टीम अभी हफ्ते भर से लगातार कमिश्नर से इससे मीटिंग कर रही है, कमिश्नर से भी डायरेक्ट मुलाकात हुई है, ये गई थी, हमारे लोग गए थे वहाँ पर, सालवी साहब से भी मुलाकात हुई है वहाँ पे, कहा कि आपका सब कुछ हो गया तो मुझे देखने का परमिशन दे दीजिए। हाँ, यहाँ के विधायक दौरा किए थे, उनका कहना है कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या कुछ भी हो, लोगों को इलाज फ्री मिलेगा, इसमें क्या? देखिए, समझिए आप इस बात को, ये गंगू भाई और अनंत भाई दिघे दोनों प्राइवेट है और कैशलेस है। क्या है? कैशलेस है, वहाँ पर कोई आपको देना नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर डिजीज के लिए ही मिलेगा आपको, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। नंबर वन, आप किसी के लिए आते हैं आपको उसके लिए नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो आप जिस डिजीज के लिए आएंगे वो डिजीज का ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, जब आप जाएंगे, जब जो लोग बड़े एक्सपर्ट लोग आए थे, अभी मुझे दिखा कि कुछ NCP के बड़े हाई लेवल के एक्सपर्ट आए थे, और मुझे लगता है 2-3 नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ रहते हैं, है ना, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसका, किडनी पेशेंट का नेफ्रोलॉजिस्ट, शायद उसमें एक डॉक्टर शाह करके कोई होते हैं, मुझे लोगों ने बताया, डॉक्टर शाह नेफ्रोलॉजिस्ट, शार्मिन डिंगा शबीश, वो भी शायद नेफ्रोलॉजिस्ट है, या कोई MD MS और DM है मेडिसिन में, पता नहीं मुझे।
फैजी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और आपने कहा था कि इसके लिए आप आंदोलन करेंगे, उसको कई महीने हो चुके, लगता नहीं काफी देर हो गई? चिड़िया नहीं, नहीं, जब उन्होंने कहा था उसी वक्त में, जब उन्होंने कहा था उसी वक्त हम फौरन, हम पता चला, हम कमिश्नर से मिले, कमिश्नर का तबादला भी हो गया, हमको पूरा रिसर्च करने में भाई, उन्होंने कहा कि आप हमसे तभी शिकायत कीजिए, पहले एक बार ज़रा अच्छे से कर लीजिए, मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मैं जाके इतने अच्छे से कर दिया उनका। वहाँ पर लो लेवल के BAMS डॉक्टर वहाँ पे हैं, नंबर वन, MBBS भी हैं, कुछ MBBS है, पर्टिकुलर डिजीज की ट्रीटमेंट चल रही है, पर्टिकुलर डिजीज की सिर्फ, ठीक है, वो भी लोगों के वही राशन कार्ड और वो सब लिए जा रहे हैं, वो पूरे डिजीज का वहाँ पे है नहीं। जब मैं खुद को अभी मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे, मैं आनंद भाई दीघे में, मैं कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सीने में दर्द है, मुझे जल्दी से दिखलाओ, तो मैं एक एक आदमी के पास सिस्टमेटिकली गया और सबसे उनकी टेक्नीशियन की डिग्री क्या किया है सबका पूछा, सब पता चला कि भाई साहब सब कहीं कहीं से उठा के लगा, किसी ने कहा कि हाँ मैंने किया है, मैंने देखा है, थोड़ा बहुत सीखा है, इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिग्री तो नहीं है, अब टेक्नीशियन भी फुल्ली नहीं है मेरा, फिर उसके बाद ECG निकाला, फिर उसके बाद 2D इको निकाला, 2D इको वाले से मैंने पूछ दिया कि भाई बताओ ये 2D इको जो निकाला है तुमने कहीं इसकी स्पेशलिटी रखी है, क्योंकि मैं 2D इको मैं अपने छोटे भाई का हमेशा नायर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में कराता हूँ, और वहाँ पे वो आज से 6-7 साल पहले 500 रुपया 2D इको का चार्ज है, और वहाँ पे जो करने वाले होते हैं वो सब MD होते हैं जो कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक अब आप समझिए फर्क को, और यहाँ पे आपको कोई उसका रिपोर्ट जो है बहुत ऐसी ही नॉर्मल, कोई उसका एक्सपर्ट उस पर सिग्नेचर करके नहीं मिलेगा। फिर डॉक्टर से दिखाया, मैंने उससे दिखलाने के बाद पूछा आपकी क्या डिग्री है, तो उन्होंने कहा मैं जो है BAMS हूँ सर। क्या है गवर्नमेंट का रूल आ गया है कि कहीं भी प्राइवेट के लिए भी आ गया है कि आप कोई भी अच्छे हॉस्पिटल है और इस स्टैंडर्ड का आपका ISO का है तो आपके यहाँ कोई भी BAMS BUMS और ये सब नहीं चलेगा, सारे के सारे MBBS ही रहने चाहिए, एक भी नहीं चलने वाला है। और ये तो ये कहानी पूरी इस हॉस्पिटल के आपने निरीक्षण किया, इसमें अभी चार, हमने संदीप चालवी से परसों ही पूछा था कि हम लोगों को जाने दीजिए भाई निरीक्षण के, हम लिख के तो नहीं देंगे साहब, क्योंकि हम ये मालूम है कुछ है नहीं सिवाय एक आपने उसका जो है जेफ्रोलॉजिस्ट सारे भर दिए हैं, आप समझिए इस खेल को। और यहाँ पे काफी कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक आस है कि हमारी बात शुरू हो गई है स्टेट लेवल पे, हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो है कॉरपोरेशन के अंडर में, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, मेरी ख्वाहिश भी थी, मैं बहुत दिन पहले भी कहा था कि मैं इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर जब एक बार मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो सारा खेल ख़त्म, सारे आपके डिजीज के यहाँ पर इलाज होंगे। और अल्लाह का शुक्र है 2 महीने पहले ये गवर्नमेंट का आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया सब ने निकाला है, ज़रा पढ़ लीजिए क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र को 12 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, 12 मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हो गया है, 4,000 करोड़ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4,000 करोड़ का लोन इनको दिया जा रहा है, ठीक है, उससे 12 मेडिकल कॉलेज बनने हैं, उनमें से नहीं है ये नहीं, हमें डिमांड करनी पड़ेगी ना, इतने आसानी से ये कैसे हो जाएगा, हम नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि एक कॉलेज हमें कहीं पर भी थाने में बनाना है। अब आप समझिए पूरे स्टेट में 12 है, थाने के लिए एक है, थाने में ऑलरेडी बना है, हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल हम स्टेट को कहे कि साहब ये प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, या 2-3 साल ये अगर चला ले कॉरपोरेशन इसको तो वो आराम से, जैसे सारे आपको कूपर हॉस्पिटल ये सारे हॉस्पिटल हैं, सब पहले क्या थे, कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल थे, और कॉरपोरेशन 3 साल जब 2-3 साल हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट ले करके मेडिकल कॉलेज में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देती है। तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मुमरा वाले साथ आएँ, दूसरे पार्टी वाले भी साथ आएँ, चले हम सब मिल करके इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कराते हैं, 100 बेड का सब जगह प्रोविज़न 100 बेड का है, 4,000 करोड़ है, 12 बनने हैं, एक थाने में बनना है, लिखा हुआ है क्लियरली एक थाने में बनना है, तो वो थाने का बना बनाया उनको मिल जाएगा, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है, सारा चीज़ रेडी है। और अगर इसको हमने साइन कर दिया MOU या कुछ भी कर दिया, उसको थोड़ा तो जा सकता है, लेकिन फिर लंबी कहानी हो जाएगी, उसको प्राइवेट को नहीं जाने देना है किसी भी हालत में, ठीक है।
और जहाँ पर थोड़ा बहुत जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस हमें दे करके इलाज कराना ज़्यादा बेहतर होता है कि एक अच्छे से कराएं। कोई भी इंसान को जब हर्ट अपना ऑपरेशन कराना होता है तो क्या कहता है कि मुन्ना भाई वाला हॉस्पिटल में जाएंगे क्या? वो आप लोग चाहते हैं कि मुन्ना भाई वाला हॉस्पिटल मिल जाए, तो मुन्ना भाई वाला ही हॉस्पिटल है ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लोग अंदर घुसे हुए हैं उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग आला खरीद लेंगे थोक से और एप्रन लगा लेंगे और उस पार्टी के लोग अंदर आपको इलाज करते हुए भी कुछ ठिकाना नहीं है कि मिलेंगे, समझा? इलाज करते हुए मिलेंगे और गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो आप उसकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन कौन है कौन नहीं है ये सारे चीज़, जैसे आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है कि जो इसके मतलब इसके हकदार नहीं है यहाँ पर आने के भी वो लोग इसको लिए हुए हैं हॉस्पिटल को, यानी अंधी नगरी या चौपट राजा। और मुंबरा के लोगों को क्या चाहिए, आप बेवकूफ़ बना दीजिए कि साहब हमारा कैशलेस होगा, आपको तो इलाज से मतलब है ना, जैसे लग रहा है कि इनके घर से पैसा आ रहा है आपको इलाज से, हम तो फ्री दे रहे हैं, तो फ्री का कहते हैं ना कि फ्री के किसी चीज़ को देखा नहीं जाता है, तो फ्री का नहीं है, ये हमारे टैक्सेस से बना है और फिर आगे भी हमारे ही उससे सारे टैक्सेस से जितने भी चलते हैं जो वो है वो सब उसी से चलते हैं। तो हमें हमको राइट है कि अपना इलाज सही आदमी से हम कराएं, दूसरे से हम ना ही कराएं। भाई साहब अभी आपका कहना है कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेट ना किया जाए, लेकिन हॉस्पिटल प्राइवेट ऑलरेडी हो चुका है, दे दिया गया है, तो इसको आप कैंसिल कराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कैंसिल कराने के लिए हम उनसे बार बार कह रहे हैं कि साहब हमको सच्चाई तो बताओ, कुछ तो दिखाओ। उन्होंने कहा था कि उसी तर्ज पे करेंगे, किसने कहा था? ये कमिश्नर डॉक्टर जो थे विपिन शर्मा ने कहा था, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और जब उन्होंने कहा कि आप पूरा रिसर्च करके आइए हमको बताइए, तो हम उनको बताने वाले थे सारे, तो भाई जब तक ये बदल गए हैं अब नए आए हैं उनसे भी मुलाकात हो गई है, उन्होंने कहा है कि उनके पास लंबी लिस्ट बता दी गई है कि आप फैजी साहब आप ऐसे सर्च करते रहेंगे फिर कमिश्नर बदली होते रहेंगे फिर ये तो लंबा खेल हो जाएगा, चला जाएगा। बात समझिए, आपको क्या लग रहा है, आपको घुमाया जा रहा है या आप लोग खुद ही घूम रहे हैं? घुमाया जा रहा है, ये है ना कि ये लोगों का एक मिला जुला भ्रष्टाचार का पूरा कहाँ से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नेता होते हैं। जैसे अब टॉरेंट को कर दिया तो टॉरेंट से फायदा नेता लोगों को होता रहेगा, जब तक टॉरेंट 20 साल के लिए, अभी 2 साल चला गया वो रहेगी उसी तरह उनको होता रहेगा, उसी तरह प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन से कोई भी भ्रष्टाचार, उनसे ये करना किसी आदमी को मतलब अनपढ़ आदमी को भी रखवाना इधर उधर रखवाना, उनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, उनको रखवा सकते हैं, किसी का इलाज हुआ तो ये करा सकते हैं, किसी से गलत सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, किसी को गलत फंसवा सकते हैं, ये कुछ भी प्राइवेट होने के बाद कुछ भी हो सकता है। आज आपने जो रैली निकाली थी, धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद अगर फिर भी प्राइवेटाइजेशन हुआ हॉस्पिटल तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला कदम जब तक गवर्नमेंट हमारी तो नहीं आएगी, लेकिन हम इसके खिलाफ जो है आंदोलन अपना जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए चाहे वो टॉरेंट जब तक ना भगा दें हम, ठीक है, ये ना भगा दें। देखिए आप दिन ब दिन हमारी ताकत को आप शायद समझ रहे होंगे और पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, ठीक है, हम जब टकराते हैं तो बहुत अच्छे से टकराते हैं, धीरे धीरे हम आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कैसे आएंगे और कब क्या कर गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ताकत हम नहीं हैं, आवाम होगी, ठीक है, वो आवाम कब क्या कर देगी और कहाँ उठा के फेंक देगी आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक है। चार चीफ मिनिस्टर का पता हवा नहीं आज निकल गई कैसे, और अभी हम उस पर भिड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान का PM बना बैठा है, हैं, और एक जो है होम मिनिस्टर बना बैठा है उसकी हम लोग, या अभी हमें भी अगले हफ्ते गुजरात के लिए रवाना होना है, ठीक है, हम रवाना हो रहे हैं, हम भी आएंगे लेकिन जल्दी, और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हमारा एक सिंबॉलिक कह लीजिए या जिस छोटा सा ये हम इनको सिर्फ एक समझा रहे हैं कि हम करेंगे, हम आपकी मुखालफत करते रहेंगे, मतलब और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, मतलब हर थोड़ा दिन पर जारी रहेगा, सिर्फ उसी का नहीं रहेगा, थोड़ा हम भी डायबिटिक आदमी है, हम कभी कभी हम सोचा है हिम्मत करके कि मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा, डायबिटिक में नहीं बैठना चाहिए लेकिन बैठूंगा क्योंकि लोगों का मसला है, और हम अनपढ़ बेवकूफ मुन्ना भाई का वाला ये हॉस्पिटल हम नहीं बनने देना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर कट मैसेज, इनको जाना चाहिए।